अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बदनी यूसुफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है चिकन करी विद शाही ग्रेवी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये प्रेशर कुकर देख रहे हो आप, इसके अंदर मैंने मसाले को सीटी लगा लिया है। यहाँ पर मैंने लिए थे 4 से 5 बड़े अनियन, 7 से 8 पुदीना के पत्ते, जिंजर गार्लिक 1 कटोरी भर के, उसी के साथ हमने ऐड किया है 10 से 12 हरी मिर्च। इन सभी को प्रेशर कुकर में डालकर स्वाद अनुसार नमक 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ हमने सीटी लगा ली है। यहाँ पर मैंने 1 छोटा टुकड़ा बटर, 2 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून खाने का ऑयल लिया है। आप चाहे तो सिर्फ घी भी ले सकते हैं या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, आप अगर शाही ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप घी का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने 1 kg यानी 1 किलो चिकन लिया है। मैंने उसे उसी प्रेशर कुकर में फ्राई करना स्टार्ट किया है जिसमें हमने सीटी लगाई थी ग्रेवी के लिए। चिकन को आहिस्ता आहिस्ता स्टर करके अच्छे से सॉटे कर लेंगे, यानी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा चिकन गलना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर। मैंने यूज़ किया 1 छोटे चम्मच के करीब। प्रेशर कुकर में मुझे स्पेस काफ़ी कम लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। याद रहे मैंने इसमें नमक का यूज़ नहीं किया है, नमक का यूज़ मैंने ग्रेवी के अंदर ही किया था जब हम सीटी लगा रहे थे मसाले को। मैंने उसी पेस्ट को चिकन के साथ मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हम ऐड करेंगे फुल फैट मिल्क। आपके पास अमूल क्रीम है तो वो भी बहुत ही बेस्ट है, यहाँ पर मुझे कहीं भी अमूल क्रीम नहीं मिली। फिलहाल मेरे पास जो था मैंने वही यूज़ किया है, 1 कप के करीब। देन उसके बाद ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के दही। यहाँ पर नमक का यूज़ कम करें क्योंकि आगे हम जो मसाले यूज़ करने वाले हैं उनमें भी काफ़ी नमक ऐड होता है। तो चलिए अब बारी है सूखे कुछ ड्राई मसाले की। यहाँ पर मैंने ऐड किया है ऑर्गेनो 1 छोटे चम्मच के करीब। उसी के साथ मैंने ऐड किया है 1 चम्मच मैगी मसाला। ड्राई मसाले परचेज करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी माशाल्लाह बनकर तैयार हुई है। फिर एक बार याद दिला रही हूँ आपको, आपके पास अगर अमूल क्रीम है तो आप उसका यूज़ करें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फुल फैट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको वही बढ़िया रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे मेथी, सूखी मेथी। इसे ऐड करने के बाद और भी टेस्ट उभर कर आता है। लास्ट में इसको गार्निशिंग करेंगे हरी धनिए के साथ। है ना कितनी आसान ये रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट चिकन करी। सो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।